सो हेलो एवरी वन, वेलकम बंस अगेन इन गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जैसे कि आप देख पा रहे हैं 4:10 हो चुके थे और आज 15th of March है। तो आज का जो मेरा शेड्यूल था 4 से 5:30 बजे तक आज मैंने मैथ परसेंटेज को जब कल स्टार्ट किया था तो मैंने उसको बुक से भी कई सारे क्वेश्चंस किए, पर कहीं मुझे लग रहा था 1-2 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि जिनका कॉन्सेप्ट उस बुक में नहीं दिया था और मुझे याद भी नहीं आ रहा था। उसमें मतलब डायरेक्ट फॉर्मूले दिए थे और मैं फॉर्मूले से ज़्यादा मतलब मैं बेसिक्स पे मतलब मुझे अच्छा लगता है कि बेसिक से किसी चीज़ को समझो। तो फिर मैंने विकास सर की जो मैंने एग्जामपुर पे आपको भी मैथ्स के लिए क्लासेस बताई थी, उन्होंने जो लेखपाल के लिए दी थी वहाँ पे जाके मैंने वहाँ से क्लास करना स्टार्ट किया है। और इस बार मेरा प्लान है कि मैं पहले वहाँ की सारी क्लासेस करूँगी, उसके बाद मैं उस बुक के सारे क्वेश्चंस करूँगी ताकि चीज़ें जो है और भी ज़्यादा स्थायी हो जाए। ओके, उसके बाद जो है 5:30 से 6:30 तक जो मेरा शेड्यूल था, मैंने नाउन के जो आपके वो एग्जाम्पल वगैरह थे उसको मैंने प्रैक्टिस किया था। और उसके बाद फिर 6:30 से 7:30 आपको पता ही है करंट अफेयर्स की गौरव सर की क्लास होती है, उसको मैंने कंप्लीट किया था। और बहुत से बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे कि मैम जो NCERT है उसके लिए मैं यहाँ पे आपको देखो ऐप का जो स्क्रीनशॉट है मैंने लगा दिया है, आप प्ले स्टोर पे जाना गूगल पे और वहाँ पे उस पर आप मतलब NCERT बुक्स करके डालना और ये वाला जो आइकन आपको दिख रहा होगा इसको आप वहाँ पे जाके अच्छे से डाउनलोड कर लेना। यहाँ पे आपकी 1-12th सारी की सारी बुक्स दी गई हैं, उनको आप बहुत अच्छे से पढ़ सकते हो। ओके, अदरवाइज मैंने इस पर एक वीडियो भी बनाया था, अगर आप वो देखना चाहें तो आप वो भी वहाँ पर देख सकते हैं। ओके, सो अभी मैं कर रही थी जो इंग्लिश की जो आपके नाउन की जो प्रैक्टिस थी उसको कर रही थी। और उसके बाद करंट अफेयर की क्लास और उसके बाद लोगों की डाउट थे कि मैम जो आपका NIOS के जो नोट्स होते हैं उनको कैसे पढ़ना है, तो उनको मैंने वीडियो बना के आपको अच्छे से समझा दिया है। अगर आपको भी प्रॉब्लम हो रही है उनके नोट्स को पढ़ने में, नोट्स बनाने में, तो आप उसको ज़रूर देखिएगा, 100% आपको उससे हेल्प मिलने वाली है। ओके, और आपके जो भी डाउट्स होते हैं मैं वैसे तो पर्सनली आपको रिप्लाई कर देती हूँ, बट अगर किसी का रह जाता है तो डाउट आप नेक्स्ट डे का ब्लॉग देख लीजिए, क्योंकि उसमें मैं आपके जो भी क्वेश्चंस होते हैं कोशिश करती हूँ कि उन सभी का रिप्लाई मैं अच्छे से कर सकूँ। ओके, और बहुत से बच्चों के मतलब कमेंट्स आए थे कि मैम हिंदी में भी DSSB का सिलेबस करा दीजिए, तो मैं ट्राई करूँगी 1-2 दिन में हिंदी में खुद से नोट डाउन करके और आप तक उस सिलेबस को पहुँचा पाऊँ। ओके, सो फ्रेंड्स मेरे व्यूअर्स के काफ़ी लोगों के ये डाउट थे कि मैम जो आपका NIOS के जो नोट्स होते हैं उनको कैसे पढ़ना है, तो उनको मैंने वीडियो बना के आपको अच्छे से समझा दिया है। अगर आपको भी प्रॉब्लम हो रही है उनके नोट्स को पढ़ने में, नोट्स बनाने में, तो आप उसको ज़रूर देखिएगा, 100% आपको उससे हेल्प मिलने वाली है। सो फ्रेंड्स जैसे कि आपने देखा अभी तक का मेरा जो भी रूटीन था मॉर्निंग से लेके 8 तक, और उसके बाद अभी मैंने एक दो वीडियोज़ बीच में देखी थी और उसके बाद मैंने आप लोगों के लिए NIOS को लेके मेरे पास काफ़ी क्वेरीज आ रही थी कि मैम NIOS के नोट्स को कैसे पढ़ना है, तो मैंने उस पर थोड़ा रिसर्च वगैरह किया, उसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग गया। तो अभी 2:20 हो रहा है, आई थिंक आपको दिख रहा होगा, और अब मैं जा रही थी। तो मेरा जो है इंग्लिश है, मैथ्स है कंप्लीट हो चुका है, और जो करंट अफेयर्स है वो भी मेरा कंप्लीट कर दिया था मैंने, आज का जो भी रूटीन था मेरा। अब मैं पढ़ूंगी, क्या पढ़ूंगी मैं NCERT से, क्योंकि वहाँ से आपके लिए टॉपिक तैयार करना थोड़ा सा एक टफ है, समझ नहीं आ रहा है किस तरीके से कौन सा टॉपिक तैयार करूँ, उसके लिए बैकग्राउंड क्वेश्चन क्या होने चाहिए, उसके बाद जो असेसमेंट क्वेश्चंस हैं वो क्या होने चाहिए, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, तो उन पर थोड़ा रिसर्च चल रहा है अभी। तो अभी मैं NCERT 4th class की देखूंगी, EBS की 4th और 5th से ही मैं EBS का कोई टॉपिक तैयार करूंगी, एक आप लोग भी कर सकते हैं। और उसके बाद मैंने स्टार्ट कर दिया है न्यूज़पेपर, आप भी स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि न्यूज़पेपर एक भले ही आप करंट अफेयर की क्लास वगैरह पढ़ते हैं तो मैंने अभी तक इसको नहीं देखा है, मुझे टाइम नहीं मिला, तो अब मैं इसको थोड़ा सा न्यूज़पेपर देखूंगी और उसके बाद मैं NCERT को कवर करूंगी। उसके बाद मैं कुछ जो वीडियोस होते हैं इंटरव्यू से रिलेटेड उनको देखूंगी, और NIOS के नोट्स मैंने आज देखे तो मैं देखती हूँ कल से उनको पढ़ना वगैरह स्टार्ट करूंगी, क्योंकि वीडियोस तो मैं वैसे भी देख सकती हूँ काम करते हुए भी, तो उनको इतना ज़्यादा वो नहीं करना है मुझे, तो उसको मैं क्या करूँगी कि जो NIOS के नोट्स हैं उनसे नोट्स वगैरह बनाना स्टार्ट कर दूंगी। और इंटरव्यू की प्रिपरेशन जरूर करते रहिए, अगर आपको लग रहा है कि आपके चांसेस हैं 120+ के आसपास कहीं भी हैं आप,
और देखो हम लोग जो भी बताते हैं बट एक अनुमान होता है चीजों को लेकर, काफी लोगों को सुनने के बाद में एक कंक्लूजन पर पहुंचते हैं, तो आप लोग तैयारी करते रहिएगा अपनी। ओके, तो मैं आपके साथ अपने नोट्स शेयर कर देती हूँ जो कि मैंने आज नोट डाउन किया है करंट अफेयर्स के बारे में। सो फ्रेंड, जैसे कि आपको दिख रहा होगा 15th of March 2023 चक्रवात फ्रेडी आया है मालावी अफ्रीका में और काफी घमासान उसने मचाया है वहां पे। उसके बाद ये असनी ताउते और मेडोज करके ये इम्पोर्टेंट चक्रवात थे। उसके बाद ऑकस स्टार्ट हुआ है ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएसए के बीच में परमाणु पनडुब्बी साझेदारी की योजना है और हिंद महासागर में ये योजना चलने वाली है और ये चीन को काउंटर करने के लिए होगी। ओके, उसके बाद है लापेरोश यानी कि फ्रेंच वर्ड है और फ्रांसीसी नौसेना इसको होस्ट करेगी। ये मतलब जो आर्मी के बीच में जो अभ्यास वगैरह होते हैं ना उस उस तरीके से है, तो इसमें इंडिया, जापान, यूएसए और फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया ये 5 देश में भाग लेने वाले हैं। उसके बाद LDC यानी कि लीस्ट डेवलपमेंट कंट्री, तो एक ये मतलब रिपोर्ट निकलती है उसमें बताया गया है कि इसमें इसका मोटो क्या है और कहाँ पे ये जो मतलब हुआ है प्रोग्राम, मतलब एक तरीके से बैठक हुई है वो कहाँ पे हुई है। उसके बाद बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी कौन जीता है, जो कि इंडिया विजेता है 2-1 से। ओके, और ऑस्ट्रेलिया इंडिया के बीच में फाइनल था इसका। उसके बाद T20 महिला वर्ल्ड कप 8th है जो ऑस्ट्रेलिया ने जीता है साउथ अफ्रीका को हराकर अभी हुआ था। उसके बाद महिला अंडर 19 T20 आयोजन साउथ अफ्रीका में, फर्स्ट बार विजेता इंडिया, हराया किसको था, इंग्लैंड को हराया था। ओके, उसके बाद इंडिया जो आपका स्वच्छ ईंधन है उस पर बहुत ज्यादा जोर दे रहा है, तो यहाँ पे आपका एथेनॉल यूज करने का जो लक्ष्य है वो कब तक रखा गया है, 25-26 तक। उसके बाद हाइड्रोजन जो फर्स्ट ट्रेन चली है उसका नाम है वंदे मेट्रो एंड मेथेनॉल चलाने से चलने वाली बस जो है बेंगलुरु से स्टार्ट हुई है। ओके, हाई ऑक्टेन जिसमें पाया जाता है वो जो आपका फ्यूल होता है वो मतलब प्योर होता है उतना ही। ओके, उसके बाद ट्यूलिप गार्डन श्रीनगर जम्मू कश्मीर वहाँ पे इस टाइम पे चल रहा है। ओके, उसके बाद स्टॉक मार्केट एजुकेशन कॉन्क्लेव जो है, जो आपका शेयर मार्केट से रिलेटेड जितनी भी जानकारी है युवाओं को दी जाएगी, इसमें आपका पुष्कर राज ठाकुर, आपने भी नाम सुना होगा, त्यागराज स्टेडियम दिल्ली में ये होने वाला है। ओके, उसके बाद चौथी एशियाई खो खो है वो आपकी कहाँ पे होगी, 20-24 मार्च असम में होने वाली है। ओके, तो ये था आज का आपका करंट अफेयर्स। ओके, उसके बाद मैंने थोड़ा सा पेपर वगैरह पढ़ा था और भी चीज़ें उनको रिवाइज वगैरह किया, तो ये था आज का ब्लॉग। और आप लोग की अगर कोई भी क्वेरी है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हो। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड टेक केयर।